नमस्कार, नंदास किचन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैक्रोनी की सब्जी। जी हाँ, आपने मैक्रोनी की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी और बनाई भी होंगी, तो आज हम सब्जी बनाकर देखते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पर एक कुकर चढ़ा दिया है और अब मैं ये गैस ऑन कर दे रही हूँ। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब जीरा ऐड करूंगी। जीरे को हम क्रैकल होने देंगे। जीरा हमारा अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे मैंने ये चॉप कर दिया है, वो ऐड कर दूंगी और इसे हम भून लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे हम प्याज को। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और अब मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लूंगी। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। यहाँ मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, देगी मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक हमेशा की तरह अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ, जिससे हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रंगत आई है सब्जी की। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा टमाटर लिया है, जिसे बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसे भी मसाले के साथ भून लूंगी। और टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल मैश ना हो जाए। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, हम मसाले को चेक कर लेते हैं। ये हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं और अब मैं इसमें एक हरी मिर्च है जो मैंने काट के रखी हुई है, वो डाल दूंगी और इसे भी जो है मैं इसके साथ मिक्स कर दूंगी। मसाले को हम तेज आंच में एक बार और भून लेंगे अच्छे से। हाँ,
यहाँ मेरे पास एक चम्मच के करीब पालक है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं कितना महीन चॉप किया मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास पालक है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे इस सब्ज़ी में पालक अच्छी लगती है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और पालक को भी मैं मसाले के साथ एक मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। पालक हमारी भुन गई है, सब्जी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ मेरे पास 1/4 कप के करीब मैक्रोनी है जिसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे भी मसाले के साथ एक मिनट तक अच्छे से भून लूंगी। आप देख सकते हैं मैक्रोनी को हमने अच्छे से भून लिया है मसालों के साथ। अब यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, तो मैं यहाँ 2 कटोरी के करीब पानी ऐड करी हूँ, यानी कि जितना आपका मैक्रोनी है उसका डबल आप पानी ऐड करेंगे इसमें। और अब मैं इसमें एक बॉईल आने तक वेट करूंगी। और इससे पहले हम यहाँ पर, ये मेरे पास मैगी मसाला है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इस सब्जी में मैगी मसाला का बहुत अहम रोल है, तो आप ज़रूर इसको ऐड करिएगा, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी में एक बॉईल आ गया है और अब मैं इसका लिड लगा दूंगी और 1 सीटी आने तक मैं कुकर का जो गैस है वो बंद कर दूंगी और मिलती हूँ आपको 1 सीटी के बाद। मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी। कुकर की स्टीम जो है बिल्कुल निकल गई है, हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी सब्जी है और ये आप ये मैक्रोनी को देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है। तो अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी ग्रेवी वाली मैक्रोनी, बहुत ही यमी बनती है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग्स में किसी भी समय खाइए, बहुत ही यमी लगेगी, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको मेरी ये आज की ग्रेवी वाली मैक्रोनी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।